अरे इधर रोटी बन गया, इधर है चटनी हस्बैंड के डब्बे के लिए, इधर है एक डब्बा सलाद, बीट, हस्बैंड खुद को डाल कर रहा है लेकिन चटनी काकड़ी, हरी खाता है। टमाटर, कांदा, एक डब्बा सलाद। अरे इधर रोटी बन रहा है, गोल 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 रोटी, फुलका आप लोग फुलका रोटी, चला फुलका फुलका रोटी, इसमें है खिचड़ी, सब मिक्स जो डब्बे में जाएगा। आज चना बटना नहीं है बोल के सलाद। सलामकुम गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ब्लॉग पर MW। और आप लोग सब कैसे हो? अच्छे हो? अलहमदिल्ला हम लोग भी अच्छी हूँ। और अभी बज रहा है 12:08 हो गया, 12:08 हो गए। आजकल पानी थोड़ा लेट आ रहा है बोल के मेरा भी काम लेट हो जा रहा है। पानी आता है ना उसके बाद मैं नहा धा के नाश्ता करने बैठती हूँ, पानी उनी भर के सब काम करके, क्योंकि पहला नाश्ता करके लेती हूँ ना, बाद में फिर मेरे को चाय की तलब चढ़ता है, मेरा आदत हो गया ऐसा, इसके लिए थोड़ा ये होता है। तो अभी बैठी नाश्ता करने, नाश्ता करने का है, फिर खाना बनाने का है, कपड़ा है आज, कपड़ा डालने का है। लड़का का खांसी कम नहीं हो, कम हो गया तो फिर चालू हो गया, उसको कल दवा खाना लेके जाने का। वो मांस नीचे गिरा था, उसको खराब मत कर, महंगा है वो तो मांस, भाप लेने वाला मांस, ये कर। तो कल लड़का को लेके दवा खाना जाने का, कल बुधवार है, कल जाएंगे, गया बुधवार को नहीं गए, या भी कल जाएंगे। तो चलिए देखते रहिए पूरा दिन क्या कर रू क्या नहीं। अरे एक जन ने कमेंट किया जे आपका जैसा ही आप वीडियो डालते तो जैसा भी हम लोग को अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वो आप जरा आपका नाम लिख के डालने का, जहाँ आप मेल हो के फीमेल हो मेरे को समझ में नहीं आता आया, इसके लिए मैं नहीं बता पाई लिख कौन हो। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी हो आप मेरे से बड़े हो तो मेरा सलाम लेने का, दुआ लेने का, तो अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो रह रह के। तो ये नाश्ता कर लूँ, फिर आज एकदम सादा सिंपल लंच मेनू बना गया। कल मैं कोई वीडियो नहीं बनाई, वीडियो भी नहीं, आज शायद एक छोटा सी 4 मिनट का वीडियो है वही डाल देंगे, लड़की का बाल बना रही थी, बाल कट के वही डालेंगे, और वीडियो नहीं है। उसका खांसी, मेरा खांसी का चलते कल मैं वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि बात करो ना तो खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसके लिए मैंने बोली नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है सब वीडियो में। तो ये तो चलिए नाश्ता कर लूँ मैं और मेरा लड़का, लड़का आज भी स्कूल नहीं गया, खांसी का चल, उसको सर्दी खांसी, खांसी बहुत हो रहा है, जब वो खांसता है ना, जब बहुत ज़्यादा खांस रहा है तो उसका पीठ सहलाना पड़ता है, तो ये वो कम हो जाता है, नहीं तो कम नहीं होता, खांसते रह रहे, दवा चालू है, गोली चालू है, फिर भी हो रहा है। तो कल जाएंगे डॉक्टर दिखाने, उसका किडनी का डॉक्टर दिखाने के लिए जाती हूँ ना, तो डॉक्टर को बोलेंगे तो कुछ देंगे दवा चेंज करके शायद। तो ये कोई आग लगा है, कचरा कुछ जला रहा है बहुत सारा, तो इसके लिए तो चलिए आज सादा सिंपल लंच में ना दूधी डाल के दाल बनेगा, बंगाली स्टाइल में, बंगाली रेसिपी है जो दूधी डाल के दाल, और बनेगा भिंडी, बनेगा ये डाल के क्या बोलते सिंगदाना डाल के भिंडी फ्राई होगा, बस और कुछ नहीं। और कोतम्बीर की चटनी है हस्बैंड का, आज मैं चोरी करके वही खाएंगे, उसका चटनी मैं जल्दी से खाती नहीं, क्योंकि उसको रोज लगता है सुबह भी रात को भी खाने का टाइम। आज मैं खाएंगे चटनी, तो चले मिल रूम में।
इधर ही जाला रहे खिड़की का इधर। तो चलिए नाश्ता कर लो। चलिए गाइस तेल गरम हो गया, मैं दूधी वाला दाल बनाने वाली हूँ, उसमें डाल देंगे तेज पत्ता, एक सूखा लाल मिर्ची और जीरा फोड़नी में, और बन रहा है मसूर की दाल दूधी डाल के। ये दाल खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हल्दी नमक डाल दी, दूधी डाल दो। दूधी को बॉयल करके लेना चाहिए था, लेकिन मैं बॉयल नहीं कर पाई, ऐसे ही डाल दे रही, बॉयल हो जाएगा। पानी डाल देंगे, अभी इसमें खाली जाएगा कोतम्बीर, बस हमारा दाल दूधी बन के तैयार हो जाएगा। सिम पे ये होता रहे, होएगा तब मैं कोतम्बीर डालेंगे, अभी नहीं। चलिए कढ़ाई बैठा दी, डालेंगे राई की तेल। ये बन रहा है भिंडी फ्राई, होएगा भिंडी फ्राई, इसमें हरा मिर्ची डाल दी दो और भिंडी ऐसा काट के ली। ये सिंग दाना डाल के बनाएंगे, इसको दो किस्म का भी काट सकते हैं, ऐसा लंबाई में करके बीच में से चीर लगा लेने का, दो दो करके। राई और जीरा ले ली, दो कांदा, और मेरा इसमें सिंगदाना। तेल गरम हो जाए, तेल हो गया गरम, इसमें डाल देंगे राई और जीरा। इसमें आप लोग अगर लहसुन खाते हो भिंडी में, तो ये भिंडी में लहसुन भी जाता है, बारीक बारीक लहसुन काट के, लहसुन जी ये कांदा डाल दूँ, लहसुन डाल सकते आप लोग, और उसका साथ अदरक भी बारीक बारीक काट के, लेकिन मैंने नहीं डाल दी। हम लोग का घर में भिंडी में लहसुन नहीं खाता, फिर उसका पापा चिल्लाएंगे, हल्दी चिलन के लिए करेंगे, चिल्ले नहीं, थोड़ा गोल्डन कर लेंगे फिर भिंडी डालेंगे। चलो ज़्यादा लाल नहीं करेंगे कांदे को, नहीं तो भिंडी होते तो कांदा ये हो जाएगा। अभी इसमें डाल देंगे भिंडी, मेरा ये आधा किलो भिंडी है, मैं आधा किलो भिंडी बना रही हूँ। आप लोग का हिसाब से भिंडी बना सकते, ऐसे भी काट के आप लोग बना सकते हो, नहीं तो आपका छोटा छोटा भिंडी रहेगा तो आपका उसको बीच में से दो हिस्सा करके लेने का। इसमें डाल देंगे कुछ पाउडर मसाला, हल्दी नमक मिर्ची पाउडर और जीरा धनिया पाउडर, बस अभी इसको अच्छे से मिक्स करके सिंगदाना आकड़ी में डालेंगे, जब तक भिंडी थोड़ा पक ना जाए। भिंडी को थोड़ा ढक दूँ, थोड़ा नरम हो जाए, फिर ये करेंगे। और इधर हो रहा है मेरा दूधी वाला दाल, दूधी वाला दाल हो रहा है, इसमें खाली कोतम्बी डालने का। ये पानी बोतल उठाया, ये स्टूल रुक, चावल है उसमें, बटल नहीं उठाया, कौन सा बोतल, वो तेरा पापा का, पापा का बोतल किधर, वो देख नीचे पड़ा है, ये साइड से जा। Thank you.
ये हो गया है और भिंडी पक गया। अभी इसमें डाल देंगे सिंगदाना, कुटा हुआ सिंगदाना। मेरा पास अभी थोड़ा ही था तो थोड़ा ही डाल दी, इतने में हो जाएगा मेरा पास जितना है। आज थोड़ा सी डालते तो अच्छा होता था, लेकिन अभी मेरा पास इतना ही है। थोड़ी देर भून दूँ तो हो जाएगा। और दाल भी हो गया, इसमें कोतम भी डाल दी। थोड़ी देर बॉईल करके लूँ कोतम भी डाल के, फिर गैस बंद कर देंगे। ये डाल ऐसे पतला पतला ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा घाट नहीं, ऐसा पानी वाला रहेगा ना। थोड़ा और बॉयल हो जाए दाल तो हो गए। दाल भी दूध ही डाल के, सादा डाल, एक भिंडी सिंगदाना डाल के भिंडी फ्राई। तो गाइस भिंडी बना के डन। देखिए कैसा बना बताने का, सिंगदाना डाल के भिंडी खाने में उतना ही टेस्ट। लेकिन मेरा सिंगदाना थोड़ा कम हो गया, लेके आना पड़ेगा, अभी ला के रखना पड़ेगा। ऐसा अभी ऐसा बना, इसके बाद अलग किस्म का बना के बताएंगे। सिंगदाना डाल के भिंडी, लंबा लंबा भिंडी काट के बनाएंगे। तो चलिए हो गया, इसको ढाल दी। आली आली ना भी चिल्ला रहे, डाल भी हो गए। जैसे ही कुछ गिरेगा इन लोग चिल्लम चिल्ली चालू। अरे देखे मेरा गुलाब का झाड़ का सब गुलाब काट दी, गुलाब सूख गया था काट दी। तो फिर आ रहा है, दो कली आया, दो तीन कली आया, फिर खिलेगा। देखा ही नहीं दे रहा सही, लेकिन दो तीन कली आया फिर खिलेगा गुलाब। गैस खाना बन गया, झाड़ू हो गया, खाना भी बन गया, सब हो गया। झाड़ू लगा मेरा ना इधर काट गया है, तो जैसे बाल पीछे कर रहा हूँ तो इसमें बाल घुस रहा, तो ऐसा कैसे हो रहा। कभी लाइट कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो। तो खाना बन गया, एक मिनट इसको पीठ ठोक लो। दाल चावल भिंडी फ्राई हो गया, घर झाड़ू उड़ू हो गया, कचरा भी उठा ली, सब करके लिए एकदम। अभी रेस्ट, अभी खाली खाना खाने का बाकी है। तो खाना थोड़ी देर में खाएंगे, थोड़ा पैर ऊपर कर ली, पैर सूज जाता है नीचे रखो तो। तो भिंडी बनाई, खाने का दिल बोल रहा था मेरे को भिंडी, जे सिंगदाना डाल के खाएंगे, सिंगदाना डाल के भिंडी बना के खाएंगे। हस्बैंड को पूछी, हस्बैंड बोलता है मैं तो खाई नहीं, मेरे को पता नहीं है, तू जैसा मर्जी बना खा। तो मैंने बोली ठीक है, तो मैं मेरा मर्जी से बनाई, जैसा मेरा दिमाग ख्याली पुलाव में बना वैसा मैंने बना दी। आज फर्स्ट टाइम भिंडी बनाई मैंने वैसा, तो मेरा दिमाग में जैसा जैसा आया मैं बनाई। इसका पहला भी एक बार बनाई थी, लेकिन तभी थोड़ा ये हुआ था, लेकिन अभी बड़ा थोड़ा ही बनाई थी, मैं ही खाई थी यार लड़की। अभी पूरा बना दिया आधा किलो भिंडी का। आप लोग का हिसाब से भिंडी लेके बना के खा के देखने का कैसा लगता है। आड़े कहते हैं उसका ना बीच से पूरा दो हिस्सा कर देता है, दो हिस्सा करने का करके, छोटा भिंडी रहेगा तो दो हिस्सा करके बनाने का, और बड़ा भिंडी रहेगा तो दो का फिर चार करने का। तो ऐसा भी बनता है, तो मैं एक बार बना के बताएंगे। फिर उसका अंदर वो भिंडी लंबा चीर के ना उसका अंदर भी सिंगदाना का पूर भर के भी बनाते, वो भी बनाएंगे। मैं एक बार बनाई थी फ्राई की थी, बहुत टेस्टी लगी, तो बनाएंगे वैसे भी एक बार। अभी ऐसा बनाई फिर भिंडी लाएंगे, तो मैं ऐसा बना बना के खाती हूँ तो मैं खा पाती हूँ, लेकिन वो भिंडी बटाटा फ्राई ना खाली वो मेरे से खाया नहीं जाता है। मेरा हस्बैंड को ऐसा पसंद है भिंडी बटाटा फ्राई, लेकिन मेरे को ऐसा पसंद नहीं, मेरे को ऐसा ही पसंद है, तो मैं ऐसे भावे खाती हूँ भिंडी। नहीं तो कभी कभी खसखस राई पीस के भी बनाती हूँ, उससे भी टेस्टी लगता है, उसे भी खाती हूँ। तो ऐसा ही ऐसे अभी तक लड़की आई नहीं ड्यूटी से, लड़की आएंगे फिर खाना खाएंगे। और देख लो आज थोड़ा मार्केट जाने का है,
मार्केट बोले तो तेल नहीं है, मीठा तेल वो लाने का, राय का तेल है, मीठा तेल नहीं है वो लेके आने का, और कपड़ा धोने का सर्फ एक्सेल लेके आने का, ये सब लाने के लिए जाना पड़ेगा। और कुछ नहीं, और लड़का के लिए सर्दी का दवाई, कल फिर लड़का को लेकर दवा खाना जाने का है हॉस्पिटल बाड़िया जाने का है कल, क्योंकि कल उसका डेट है, डेट क्या आके लेकिन कल लेके जाएंगे। गया हफ्ता में ये था 7 तारीख को वो डॉक्टर लोग का स्टैक था, तो कल फिर जाएंगे देखा के लेके आएंगे, क्या बोलते देखेंगे। कल जाओ आके ऐसा लगता है ना, दवा खाना से आने के बाद ऐसा लगता है कोई मेरे को खाना बना के मुँह का सामने परस के दे, जे लो ये लोग खाना खाओ और सो जाओ, ऐसा लगता है। इतना थकान हार थक जाती हूँ मैं, एक घंटा खड़े खड़े जाती हूँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाके भी बैठने नहीं मिलता, उधर भी 2-1.5 घंटा खड़े रहना पड़ता है, ऐसा है। उधर जाके भी खड़े खड़े सब काम करो, इधर केस पेपर निकालो, उधर केस पेपर निकालो, खड़े खड़े, फिर भी पीछे ये वजन करने का, अंदर एंट्री लेने का, उधर भी खड़ा रहो, बहुत थका नारायण हो जाता। तो ऐसे लगता है कोई बना के खिलाए तो नहीं, आके खुद खाना बनाओ फिर खाओ फिर सो, तो यही करना पड़ेगा। तो चलिए मिल लो खाना खाने के टाइम कैसा बना बताएंगे। दाल तो हमेशा बनाती हूँ, आप लोग को मालूम है मैं वैसा दाल बनाती हूँ और खाती भी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। तो चलिए मिल लो, अभी बज रहा रात की कितना बज रहे, 12:10 और मैं उठी आज कितना बजे मालूम, मैं सो के 11 बजे एक बार उठी, हस्बैंड को सब दी नाश्ता पानी दे के फिर सो गई, फिर 11 बजे उठी, अभी खा लूँ खाना। भिंडी चावल तू खाए, भिंडी नहीं तो हस्बैंड खाए, बहुत टेस्ट बना भिंडी। खाना खाएंगे, हाथ मुँह धो खाएंगे, गोली खाएंगे, फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह 5 बजे उठने का है। ये चना बटना भीगा, अच्छा हुआ याद आया, 5 बजे उठेंगे बोल के याद आया, चना बटना भीगा ही नहीं। चना बटना भिगा दो, हस्बैंड को आज तो सलाद दे दी, कल नहीं लेंगे चिल्लाएंगे। हस्बैंड का खाना हो गया सो गया, लड़का भी खाना खा लिया सो गया, मोबाइल देख रहे। सब थोड़ा 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 करके भिगा दे, 3-3 मुट्ठा करके। मैं भी खाना खाऊ सो जाओ, दाल भी बहुत टेस्टी बनाता है, लेकिन अभी मैं दाल नहीं ली क्योंकि अभी एग रोल खाई, ये सुबह बनाई थी रोटी उसका एग रोल बनाया अभी खाई जस्ट, तो इसके लिए खाली भिंडी चावल खा लो। खाती नहीं थी मैंने, बोली खा लूँ नहीं तो सुबह दिक्कत हुआ तो कभी हाथ पर कांपत इतना लंबा जाने का। गोली खाया, दवाई पिया, पी ले बीपी का गोली।